यहाँ पर देखेंगे साइंस का जो टेस्ट नंबर हमारा 9 है, ठीक है, साइंस का जो टेस्ट नंबर 9 है उसको देखेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 9 को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं उसके संबंध में आपके क्या विचार करना है। ये पोषक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, वसी अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। सेकंड स्टेटमेंट है यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करता है, ठीक है। जो आपके हार्मोन होते हैं उससे अंतःस्रावी ग्रंथि तक लक्षित अंगों को क्या है परिवहन करता है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं ये फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं के ऊतक तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो फेफड़ों हैं फेफड़े उसे शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इस उत्तर को सही दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ये पहला देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है जैसे ग्लूकोज, वसी अम्ल, विटामिन आदि का शोषण करके इनके शरीर भागों विभिन्न भागों तक पहुँचता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है आपका, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है करेक्ट है। तो पहले का आंसर अब क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर डी हो जाएगा। तीनों बातें आपकी क्या है करेक्ट हैं। तो फर्स्ट का डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, आपको कमेंट में आंसर बताना है, दूसरे का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रुधिर को हृदय के अंगों की ओर ले जाती है, ये शरीर के ऊपरी सतह पर स्थित होती है, ये गहरे लाल और नीले रंग की बैगनी रंग गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती है, तो क्या है ये, ठीक है, ये क्या है। और धमनियों के अंत संदर्भ में उपरोक्त कथन में विचार करें, जो धमनियां हैं उपरोक्त कथन में इस पर आपको विचार करना है कि किसकी बात सही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा ये रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है, ये ओनली वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक ओनली एक, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दो तीन यहाँ पर गलत है स्टेटमेंट, तो ए इसका करेक्ट होगा थर्ड का। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर रुधिर दाब की मापने वाले उपकरण को कहते हैं। जो रुधिर दाब है उसको मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। रेडियोग्राफी, एंडोस्कोप, आपका जो सिस्मोग्राफी मीटर मैनोमीटर और स्टेथोस्कोप, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा स्फिग्मो मैनोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्फिग्मो मैनोमीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा नंबर, हृदय की बैटरी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है हृदय की बैटरी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, धमनियों को, एड्रिनलिन या पेरिकार्डियम या सिरा अलिंद नोड, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सिरा अलिंद नोड, ठीक है, सिरा अलिंद नोड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का डी। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, मैचिंग करनी है छठे नंबर में, इसको देखते हैं कौन कौन सा इसमें मैच होगा। पहला यहाँ पर बोला है जीव आपको दे रखे हैं, ठीक है, जीव दे रखे हैं और हृदय की धड़कन दे रखी है, मानव, चूहा, ब्लू वेल और मेंढक, जिसमें से कौन सा है, किसकी मतलब किसकी हृदय की धड़कन कितनी तेज होती है आपको प्रति मिनट या बतानी, प्रति मिनट में कितनी हृदय की धड़कन होती है, इनमें से स्टेटमेंट को मैच करके बताना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पर जो मानव है इसका होगा 72 सेकेंड, आपने सुना होगा जो मानव शरीर है 72 प्रति मिनट तक ये धड़क सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ए का टू आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ए का टू दो में है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर दो पे फंस गया, यहाँ पर बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, राइट। तो देखते हैं और चूहा को देख लेते हैं, चूहे का क्या है, चूहे का आपका जो है यहाँ पर होगा 300 से 400 प्रति मिनट, तो क्या होगा बी का फोर कहाँ पर है इसमें, बी का फोर यहाँ पर है, तो ये आएगा बी का फोर कहीं है भी नहीं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर, यहीं से दो पता लगने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सी होगा यहाँ से, ठीक है। दो ही पता लगने के बाद आपको आंसर यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आपका सी, छठे का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बाकी आप दो मैच कर सकते हैं, ठीक है। सातवां नंबर देखते हैं। सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती हैं। सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, ठीक है। सभी जो सिराएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आपको ये बताना है, राइट। तो देखो पहली बात जो बोली गई यहाँ पर, ये रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती हैं,
राइट right. तो ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है जो बोला, सभी सिराओं को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सेकंड आपका गलत है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, सेवंथ ए यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, सेवंथ का ए। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब से पीड़ित है तो वह अवस्था, तो यह अवस्था हाइपोटेंशन कहलाती है, पहली बात ये बोला है। सेकेंड बात देखते हैं क्या है, सेकेंड बात बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब से पीड़ित है तो ये अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। यह हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों अलग अलग हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य पूछा है। राइट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं दी हुई हैं इसमें बातें, तो क्या दोनों बातें गलत होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी एट का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं नवा नंबर क्वेश्चन, खुला प्रसंचरण तंत्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, खुला प्रसंचरण तंत्र दूसरा किस में पाया जाता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तिलचट्टा, कीट, प्राण, ये तीनों यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर होंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हृदय की क्रियाविधि प्रथम चरण को प्रंकुचन कहते हैं, जिसमें नीले सिकुड़ते हैं और उसमें भरे रुधिर को मधमनियों तक पंप में पंप करते हैं। सेकंड आपका स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, हृदय की क्रियाविधि के द्वितीय अवस्था को अनुशिथिलन कहते हैं, जिसमें निलय फैलते हैं और अलिंद रुधिर में प्राप्त करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जो पहली बात बोला है यहाँ पर, हृदय की क्रियाविधि के प्रथम चरण को संकुचित करते हैं, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा, दसवें का सी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो आपको आप वहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो आंसर पूछा था आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आपको सेकंड नंबर का जो आंसर है वो नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर आपको देना है। अभी यहाँ से मतलब बहुत कम आंसर लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा गूगल सर्च करके देखिए, तो कुछ बातें यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आंसर दे दिया करिए, देख के दे दीजिए। ठीक है, बट वहाँ से आप कुछ गूगल करेंगे तो सर्च करके कुछ सीखेंगे वहाँ से, और क्या है, किसने की, कब की, और क्या कारण हो सकते हैं इसके, एक मिनट का काम है और आपका दो तीन वहाँ से आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे रुधिर से पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ क्वेश्चन एक का आंसर अच्छे से दे दीजिए करिए। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाता हूँ, दसवां वीडियो रहेगा, दसवां जो हमारा इसका क्लास रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।